सी आई बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे इतना खराब नहीं लगा, लेकिन आज आई फील रियली बैड व्हेन आई सी अ ब्रदर फाइटिंग विद ब्रदर, अ तिपरा साहब फाइटिंग विद तिपरा साहब. मुझे कोई मैसेज करके कहता है कि यू आर द रीजन बिहाइंड द वायलेंस. मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा है कि एक तिपरा साहब को दूसरा तिपरा साहब मारे. तो मैं पहले बार लेट मी टेल यू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम टेलिंग माई तिपरा मॉडल, डू नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग. आई लव पीपल इन द IPFP, even if they're opposing us. Agar, I have a lot of respect for NC Devarma, I have a lot of respect for Mewar, I have a lot of respect for Rishikitu. I also am going to say for the first time that I have a lot of respect for Jitendra Chaudhary. I have a lot of respect for my uncle, Vishnu Karta. I have a lot of respect for people in the Janjati Mocha. I have a lot of respect for people in the IMPP, which are my alliance partner, and in Tikra, because they are all Tikra. And I have never wanted to get into politics where my community starts beating up my own community or any community. So I feel bad, I feel hurt. I never came to politics to beat up my fellow Tiprasas or any other community. And I don't want this to be done in the name of election. Elections, as I said, 5 years mein ek baar hota hai, lekin agar hum ek dusre ko maarte hain, to log haste hain hamare upar. And I feel really bad. नहीं, ये बीजेपी और IPFP के साथ फ्रेंडली अलायंस है, हमारा कोई वो नहीं है. TPF का अधिकार बनता है, दे रिजर्व द राइट, लेट मी यूज द वर्ड रिजर्व द राइट टू फाइट इन एनी सीट दे वांट टू, और वो लड़ रही है अपने तरीके से. लेकिन तिपरा भी अपने उस 5 सीट्स में लड़ रहा है, और ये इसको फ्रेंडली फाइट सिर्फ बीजेपी और IPFP के बीच में हो रहा है. मैं वेलकम करता हूँ पता कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया है, लेकिन जिस 5 सीट पे पता कन्या लड़ रही है उसमें तिपरा मथा भी लड़ा, मैं वेलकम करता हूँ फॉर द सेक ऑफ ढांचा उसने किया है, लेकिन ये 5 सीट में तिपरा मथा जमीन में है और तिपरा मथा भी लड़ रहा है. उनका अधिकार बनता है वो 5 सीट पे कैंडिडेट डाले, लेट द बेस्ट पर्सन पब्लिक डिसाइड करेगी किसको जीत. मेरा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है कि मैं देखिए मैं सच बात बोलूँ आपको, मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता. मैं इमोशनली भी थक चुका हूँ और मेंटली भी मैं एक बात समझ चुका हूँ. जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री बिप्लब जी के खिलाफ पर्सनल अटैक करें, मैंने कभी नहीं किया, आज भी नहीं करता. आज भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि NC देवर्मा या मेवार या IPFP के लीडर्स के ऊपर पर्सनल अटैक्स करें. मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैं नहीं करूँगा, और पहले मैंने अटैक किया है CPM के बहुत लीडर्स को, जितेंद्र चौधरी इंक्लूडेड, लेकिन मुझे आज लगता है कि बोलने से मुझे कुछ लाभ नहीं होता, उनका भी कुछ लाभ नहीं होता, नुकसान हमारी सोसाइटी का होता है. मैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने लाइन में चलूँगा. मेरा एक एजेंडा है तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड. मेरा एक एजेंडा है कि हमारे लोगों को सोल्यूशन मिले, और मैं अपने लाइन में चलूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. अगर किसी को हमें वोट करना है वेरी गुड, अगर किसी को वोट नहीं करना है तो मैं किसी को गाली बककर, किसी को पीट के, किसी को मार के मैं ये इलेक्शन नहीं जीतना चाहूँगा. मैं अपने लाइन में चलूंगा, मैं जीतता हूँ तो मैं हीरो हूँ, नहीं जीतता हूँ तो मैं जीरो बन के भी रहूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों को गाली नहीं बकूंगा और उनके खिलाफ कुछ नहीं करूँगा. Of course, this is the culture of Tripura, Tanumay. I'll tell you something. बहुत लोग बोलते हैं कि उस दिन ताकतजला में कहा कि बुबाकरा गो बैक. यही लोग आज तक नहीं बोलते हैं कि जो इलीगल आए हैं उनको गो बैक, उसमें वो चुप रहे थे, लेकिन अपने ही बुबाकरा को बोलते हैं गो बैक. ये कौन प्रमोट कर रहा है? फेसबुक में लिखा गया है क्राउनलेस किंग, मुकुटहीन सम्राट. ये शब्द तो इसी बोला था जो आज पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ, तो वो लैंग्वेज आज एक रीजनल पार्टी क्यों इस्तेमाल कर रही है? तो हाँ, ऑफकोर्स देर आर मेनी फोर्सेज बिहाइंड दिस, पर मुझे नहीं लगता कि आज का जो यूथ है, बंगाली हो या तिपरासा हो, उसको ये सब चीज़ में पढ़ना चाहिए. और मैं एक बार क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव
मैं पॉजिटिवली जिंदगी जीना चाहता हूँ। कब तक जिंदा रहूंगा मैं जानता नहीं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के इस स्टेज में मैं किसी को गाली बककर किसी को पीट कर मैं अपना जिंदगी को फर्दर नहीं करना चाहता। तो हाँ, हम सबको समझना चाहिए कि हर एक्ट वायलेंस के पीछे हमेशा एक सीक्रेट हैंड होता है। अगर हम वो सीक्रेट हैंड को समझ सकते हैं तो हमें ये वायलेंस को शट करना है, और वायलेंस से किसी का फायदा नहीं होता। इनफैक्ट जो डेमोक्रेसी में एक विश्वास होता है वो ही खत्म होता है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर भूभगरा द चेयरमैन ऑफ द डिप्लोमा वुड लाइक टू ब्रीफ ऑन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ व्हाट इज पर्टेनिंग एट प्रेजेंट एंड आई वुड इनवाइट द चेयरमैन ऑफ द डिप्लोमा टू काइंडली गिव अ ब्रीफिंग टू द मीडिया। थैंक यू फ्रेंड्स इन द मीडिया। I will not take much of the time. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। I wanted to discuss some points. First, that जो violence हो रहा है छपरा में in the TTADC, मैं सबको through the media अपील करना चाहता हूँ कि ये जो violence हो रहा है इसका ये बंद कीजिए। कोई भी पार्टी हो, कहीं से भी हो, ये violence को बंद होना चाहिए। मैं सब पार्टीज़ को, IPFT हो, INPT हो, तीपरा मोहा हो, CPM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अंत में लोग तीपरासाजी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैंने अपने पार्टी को भी कह दिया है कि आप रिएक्ट मत कीजिए, कोई भी जैसे भी प्रोवोक करे। ये इलेक्शन तीपरा मोहा जीतना चाहता है INPT के साथ, हमारा अलायंस के साथ, लेकिन नॉट विथ वायलेंस। मैंने उनको कहा है कि अगर कोई हमारा झंडा उखाड़ के फेंक देता है नो प्रॉब्लम, हम और 1000 झंडा लगा देंगे। कोई हमारा पोस्टर फाड़ता है ठीक है, फाड़ने दो उनको, हम और पोस्टर लगा देंगे, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर तीपरासा ने तीपरासा के संग झगड़ा किया तो दफा बढ़ता है, सोसाइटी बढ़ता है। इलेक्शन 5 साल में एक बार आके चला जाएगा, लेकिन एक बार अगर कम्युनिटी और सोसाइटी डिवाइड हुआ तो ये हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। तो मेरा अपील है टू एवरीवन, इंक्लूडिंग सम सपोर्टर्स ऑफ माय पार्टी, नॉट टू रिएक्ट और इंडल्ज इन एनीथिंग व्हिच ब्रेक्स द रूल ऑफ लॉ। यहाँ में कानून है, कानून अपना काम करेगी। और जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर हमने टाइमली रिस्पॉन्ड किया थ्रू प्रॉपर चैनल्स, 80-90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस जो हमारे स्टेट में है, पश्चिम बंगाल में है, इसको हमें ख़त्म करना है। ये कल्चर ऑफ वायलेंस है, ये कल्चर ऑफ वायलेंस कोई भी पार्टी आए रहता है, ये कल्चर को हमको ख़त्म करना है। इसके लिए मैं सबको खुद मीडिया अपील करना चाहता हूँ कि ये वायलेंस को बंद होना चाहिए। और कोई भी करिए वायलेंस, पुलिस शुड टेक एक्शन। अगर मेरे पार्टी के किसी ने किया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, अगर दूसरे पार्टी का भी किया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं 6 तारीख के बाद तीपरासा के साथ बैठे, चाय पिए, उठे, खाना खाए, घर में जाए, वैसा मैं एनवायरनमेंट चाहता हूँ। मैं इस इलेक्शन में एक दूसरे को मारने पीटने और गाली के लिए और पर्सनली किसी को गाली बनने के लिए नहीं आया। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है कि मैंने देखा है दैट त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट, पतल कन्यास पार्टी ने 17 सीट में अपना कैंडिडेटशिप विदड्रॉ किया है, बिकॉज उनका स्टेटमेंट है कि शी वॉन्ट्स मी टू बी द CEM द TTADC मेरे सपोर्ट में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में विड्रॉ किया है। आई वेलकम इट, इट्स अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड, हमने बात भी किया, वी वेलकम इट। और 5 सीट में शायद वो इंडिपेंडेंटली लड़ रही है। तीपरा मोहा को सिर्फ एक ही बात कहना है, वी आर फाइटिंग इन 22 सीट्स, पतल कन्या इज फाइटिंग इन 5 सीट्स। तीपरा मोहा उस 5 सीट्स में भी लड़ रहे हैं, हमारा सिंबल है पाइनएपल, उनका सिंबल कुछ और हो सकता है। लेकिन हम पब्लिक को एक ही बात कहना चाहते हैं कि लेट द पब्लिक डिसाइड हु इज द बेस्ट पर्सन, मे द बेस्ट पर्सन विन। लेकिन पब्लिक को भी सोचना चाहिए और हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस 5 सीट में अगर हमारा फाइट हुआ
तो ये बेनिफिट कोई दूसरे पार्टी को जो थांचा नहीं चाहता है, जो त्रिपुरा के यूनिटी के बारे में नहीं चाहता, उसको फायदा ना हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैंने कहा है कि इवेंचुअली पीपल विल डिसाइड हु इज द बेस्ट पर्सन, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि त्रिपुरा मौथा इज फाइटिंग इन दो फाइव सीट्स, ईपीएफ इज फाइटिंग इन दो फाइव सीट्स, और लेट द पीपल डिसाइड हु इज अ बेटर पार्टी। लेकिन वी डोंट वॉन्ट दिस फाइट टू इंश्योर दैट अ थर्ड पार्टी विंस दिस इलेक्शन, ये मेरा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, मैंने देखा है कि यहाँ में पर्सनल अटैक्स हो रहा है हमारे ऊपर, किसी ने शायद ये भी कहा है कि ये सिंबल को लेकर हम टीएसपी से लड़ रहे हैं या त्रिपुरा से लड़ रहे हैं। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर ऑल्सो, टीएसपी के संग हमारा मर्जर का टॉक्स हो गया है, और क्योंकि हम अभी तक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो हम टीएसपी के रजिस्ट्रेशन में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। टीएसपी ने हमें फुल परमिशन दिया है, चित्तू बाबू इनफैक्ट हैज गिवन इट इन राइटिंग टू द इलेक्शन कमीशन, और हम प्रोसेस में हैं एक पार्टी बनने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे इवन आईएनपीटी अभी भी टीयूजेएस का रजिस्ट्रेशन लेकर चलता है, हम भी टीएसपी का रजिस्ट्रेशन लेकर इस इलेक्शन में सिंबल के लिए, एक सिंबल के लिए, कॉमन सिंबल के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा सिंबल है अनारस और आईएनपीटी का सिंबल है सौ, तो ये दो क्लियर बात है, इसको पब्लिक को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पब्लिक को कंफ्यूज एकदम नहीं होना चाहिए। त्रिपुरा मौथा 22 सीट में लड़ रही है, 23 सीट में लड़ रही है, और 5 सीट में आईएनपीटी, टीपीएफ 17 सीट में विड्रॉ किया है अपना कैंडिडेचर, हम उसको वेलकम करते हैं, फंक्शन आई वेलकम फादर कन्हैया सिंह। 5 सीट में वो खुद लड़ रही है, उस सीट में त्रिपुरा भी लड़ रहा है, और हमने ये बात कहा है क्लियरली कि लेट द पब्लिक डिसाइड हु इज द बेस्ट पर्सन टू विन द इलेक्शन, ये मेरा शॉर्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट है। ये पेरी इफेक्ट नहीं होता है, अगर मैं इफेक्ट नहीं होता हूँ, मुझे 15 लोग फोन करके गाली भी बकते हैं, 15 लोग फोन करके बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट, 10 लोग फोन करके रिकॉर्डिंग करते हैं, मुझे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैं अपने लाइन में चलता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं अपने लाइन में चलता हूँ। और अगर ये सब लोग मुझे प्रेस करने से भी मैं लंबा नहीं होऊंगा, और मुझे गाली बकने से भी मैं नाटा नहीं होऊंगा, मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, उनको प्रोवोक करने दीजिए। मुझे लगता है कि इनको, इनके साथ हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने त्रिपुरा साहब को बोलना चाहिए टीटीएडीसी में कि ये हमारा इशू है, हम इस लाइन में चल रहे हैं, आपको अगर लगता है कि हमारा इशू आपके साथ कनेक्ट होता है तो आप हमें वोट कीजिए, अगर नहीं लगता है तो आपके पास आपका वोट आपका अधिकार है, आप किसी को भी वोट कीजिए। और लास्ट पॉइंट है कि यहाँ में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पताल कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया, मैं वेलकम करता हूँ, मैं क्यों नहीं वेलकम करूँ, कोई लोग बोलते हैं कि दूसरे 5 मिनट, वो उसका अधिकार है, शी हैज एवरी राइट, राइट, शी हैज एवरी राइट, मैं क्यों रिएक्ट करूँ जिसका मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, मैं सिर्फ उसी को रिएक्ट कर सकता हूँ जिसमें मेरा कंट्रोल है। मैं ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हम 23 सीट में लड़ रहे हैं और 5 सीट में आईएनपीटी लड़ रहे हैं, बस आइडियोलॉजी नहीं है, थांचा यूनिटी है। अब आप देखिए 28 सीट्स में, 23 सीट्स में आउट ऑफ 28 95% ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज सब लड़ रहे हैं, ये विड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो 100% तो कभी होता नहीं, लेकिन 95% तो हुआ है, और एक ही रीजनल पार्टी हमारे साथ खांचा में नहीं आया, कंप्लीटली नहीं आया, वो है आईपीएफटी, ठीक है। पताल कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया है, चित्तू बाबू ने अपने पार्टी को हमारे संग मर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, बुद्धदेव वर्मा, विनोद देव वर्मा ने अपना पार्टी को हमारे संग मर्ज करने का डिसीजन ले लिया, कमेटी में पास हो गया है, आईएनपीटी जो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है त्रिपुरा में उनके संग अपना अलायंस है, ठीक है, तो और एआईएमटीसी ने सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है, तो और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये एक ही पार्टी नहीं आया है, और वो पार्टी भी अकेला नहीं लड़ रहा है, आईपीएफटी ये इलेक्शन अकेला नहीं लड़ रहा है, उन
उनका खांचा बीजेपी के साथ हुआ, हमारा खांचा रीजनल पार्टी के साथ हुआ, क्लीन रीजनल अलायंस। तो हम मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कोशिश किया एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ TTADC रीजनल पार्टीज आर फाइटिंग टुगेदर एंड नॉट इन अलायंस विद नेशनल पार्टी। वरना एक हिस्ट्री रहा है कि रीजनल पार्टीज हमेशा नेशनल पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके संग अलायंस करते हैं। इस बार रीजनल पार्टी ने एक दूसरे के संग अलायंस किया है, ये तो अच्छे ही स्टेप। क्यों सरप्राइजिंगली आप थोड़े से गुंडे जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि त्रिपुरा का खांचा अगर लीडर्स के नहीं हुआ, खांचा पब्लिक में तो गया। और मैं जानता हूँ कि नॉट ओनली इंटाकर चला जम्मू चला, बट पूरे त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा और हमारे अलायंस पार्टनर्स इस इलेक्शन को अच्छे तरीके से जीतेंगे, क्योंकि हम प्यार बांट रहे हैं, हम पॉजिटिवली हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमारे प्रोग्राम में म्यूजिक चल रहा है, हमारे प्रोग्राम में मतलब कि एक फेस्टिव मेला जैसा एटमोसफियर है। और जो दूसरे पार्टीज कर रहे हैं वो बाइक्स में आकर बंदूक से वो कैटापल्ट मार रहे हैं। तो ये मतलब यही होता है कि लास्ट आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हो तो आप किसी को धमका रहे हो, डरा रहे हो। लेकिन ठीक है, मुझे तभी भी लगता है कि IPFT में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं नाम भी ओपनली ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैंने अच्छे से कहा तो उन्हीं के पार्टी लोग उनके ऊपर अटैक कर देंगे। IPFT में बहुत अच्छे लोग हैं। और आज भी मैं ओपनली मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं NC देवर्मा, मेवा कुमार जमातिया, ऋषिकेतु और उनके जो भी अदर सीनियर लीडर्स हैं, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूँगा। क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, क्रिमिनल्स का कोई रिलीजन नहीं होता, दे हैव नो रिलीजन। जो क्रिमिनल्स हैं दे डोंट हैव अ रिलीजन, दे डोंट हैव अ पार्टी। मैनी पीपल से दैट ये लोग CTF के गुंडे थे, आज BJP में आ गए, पर असल में जो क्रिमिनल है, जो ड्रग एडिक्ट है, जो माफिया है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई पार्टी नहीं होता। तो बहुत लोग मेरे पार्टी में भी आ सकते हैं, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं ऐसे लोगों को इंकरेज नहीं करूँ। मुझे भी खबर मिला है कि एक दो लोग मेरे पार्टी के नाम में कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा। और कोई भी किसी को पर्सनली ना अटैक करे। आज IPFT और मेरा अलायंस नहीं हुआ है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई किसी के माँ बाप के बारे गाली कर दे। जब मैं अगर आई वॉज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, आई हैड लॉट ऑफ प्रेशर टू अटैक बिप्लब जी, आई नेवर अटैक बिप्लब बाबू, मानिक बाबू, आई हैव नेवर अटैक मानिक सरकार इवन वंस इन अ पर्सनल वे। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हुआ है कि वो पब्बरॉक ठीक से नहीं बोलता, वो शिलोंग में उसका घर, गो टू शिलोंग, कोई बोलता गो टू पाकिस्तान, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे ऊपर पर्सनल अटैक, आप बताइए ना, मेरे अगेंस्ट कुछ करप्शन केसेस है, मेरे अगेंस्ट कोई मर्डर केस है? आप मेरे बहन का शादी कहीं में हुआ है तो उसके ऊपर अटैक, आप पर्सनली क्यों अटैक करते हो? मैं तो पर्सनली किसी को नहीं अटैक कर रहा हूँ। पॉलिटिकली अटैक करना आप करो, आप नहीं अग्री करते हो कितना, नो प्रॉब्लम, बट पर्सनल अटैक करने से किसी को क्या फायदा मिलता है? और 90% ऑफ पब्लिक इंडिया में उसको पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग देख के बोलते हैं कि ये नेता लोग बेवकूफ है, एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, हमें तो हमें इसमें क्या दिलचस्पी है पर्सनल अटैक? तो पॉलिटिकल अटैक कीजिए, बट डोंट अटैक पीपल पर्सनली, दैट इज फाइन। अभी जो कैंपिंग कर रहे हैं कैसे इशारा मिल रहा है? कैंपिंग कर रहे तो आई थिंक दैट वेव हमारे संग, आज बहुत अच्छा रैली हुआ भोजन नगर वाकी नगर में, मंदई में हुआ, कल मैं मिर्जा कथालिया जा रहा हूँ, तब मैं उसके बाद रैमा वैली जा रहा हूँ, मैं आश्रमवाड़ी रामचंद्र घाट जा रहा हूँ, उसके बाद कंचनपुर और हुकुतवीसा वहाँ भी जा रहा हूँ। और जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, ये वेव है, ये जो इलेक्शन है ये वेव का इलेक्शन है। आप लोग मतलब कि आप कोई कुछ भी करते, ये वेव हमारे फेवर में, ये ऐसा इलेक्शन भी नहीं है जहाँ में फाइट हो रहा है, ये वेव है, ये पूरा सुनामी है हमारे पक्ष में। अभी जो दो तीन इंसिडेंट हुआ है जिसमें,
उसपे क्या आप लोगों का पार्टी का कोई है इंसिडेंट में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें आपका कोई पार्टी का लोग इन्वॉल्व है या अगर पुलिस ने इंक्वायरी किया और अगर मेरा कोई भी पार्टी का मेंबर एक्चुअली इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और अगर कहीं और से है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर मेरे पार्टी से किसी ने गलती किया है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और अगर दूसरे पार्टी ने भी किया उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि हम सबको ये इलेक्शन 10 दिन बाकी है, 12 दिन बाकी है, इसमें एक दूसरे से लड़ के हम अपने परिवार को क्यों बांटे, अपने गांव को क्यों बांटे, अपने सोसाइटी को क्यों बांटे। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा ये कम्युनिटी अपना स्टेट बटे फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। मैंने ऐसा वायलेंस पहले भी बहुत देखा है और इससे किसी का फायदा नहीं। पीपल हु हैव गॉट अवे विद वायलेंस, आई थिंक दिस इज अ कल्चर इन त्रिपुरा, इन वेस्ट बंगाल, देयर इज अ कल्चर ऑफ वायलेंस, देयर इज अ कल्चर ऑफ बॉम्ब मेकिंग, देयर इज अ कल्चर ऑफ फियर फैक्टर, इंटिमिडेशन। नाउ यू आर आस्किंग समवन हु हैज सीन इट फ्रॉम द एज ऑफ 5, आई थिंक ये पहला बार तो नहीं हो रहा। मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि द न्यू एज बंगाली यंग बॉयज एंड गर्ल्स, द न्यू यंग त्रिपुरा यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु आर एजुकेटेड, हु आर हु वांट टू जस्ट लुक एट जॉब्स, वांट टू सी समथिंग लाइक दिस। ये यही है जो गुंडे लोग क्या है, जो गुंडे लोग कर रहे हैं, सम ऑफ देम आर ड्रग एडिक्ट, सम ऑफ देम आर क्रिमिनल्स, सम ऑफ देम आर ड्रंकर्स, वही तो कर रहे हैं। कोई एजुकेटेड डिप्लोमा होल्डर तो नहीं कर रहे। तो हमको नहीं लगता कि कोई एजुकेटेड यूथ फ्रॉम एनी सोसाइटी वॉन्ट्स टू डू दिस। तो जब तक ये लोग अवेलेबल हैं पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ सेक्शन है जो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसे एक्सपेक्टेशन। हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में ऑन आवर ओन, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑन आवर ओन। एंड क्योंकि अब सब पॉलिटिकल पार्टीज ने विड्रॉ कर दिया है, आप देखेंगे कि INPT इतना पुराना पार्टी है, अभी भी INPT डिसाइडेड 5-5। चित्तू बाबू जिसने अपना पार्टी को मर्ज किया TSP हिमसेल्फ इज फाइटिंग इन ओनली वन सीट। IPFT तिपराहा इज अ वेरी वेल नोन थिंग विद सीनियर लीडर्स, दे सेड नहीं हमको नहीं लड़ना है, आई विल विल सपोर्ट यू। पता कन्या आई हैव जस्ट सी हैज विथड्रॉन इन 17 सीट, बट शी वाज फाइटिंग 22, आई थिंक ओनली 5 सीट्स। सो आई थिंक मोर ऑर लेस पीपल आर फाइटिंग नाउ, पब्लिक डिसाइड करेगा और मुझे पब्लिक के ऊपर पूरा विश्वास है कि पब्लिक दिस टाइम विल वोट फॉर तिपरा मोथा एंड दिस टाइम पब्लिक विल वोट। आप एक बार वोट कर दीजिए, तिपरा मोथा हैज द यंगेस्ट कैंडिडेट्स, youngest candidates and most of the candidates jo Tripura Motha mein hai are graduates and are young, and I think I'm probably the youngest chairman of a regional party in the history of Tripura. So I think a young leader chooses a young generation, and I want to put in fresh faces. Of course there are a few old stalwarts like Animesh Debarma, he's a former MLA, he's also a very educated man. Animesh Debarma is a very educated man, who spent a lot of time with his engagement, he's sacrificed a lot. We have someone like Ananto Babu, who sacrificed a lot, was a signatory PNB. We have from INPT Vijay Rampal. Kamal Koloi has come from the media. I think it's a very good thing that people from media also, Sirf Kumar Vishwas, you know, or other journalists, you know, we should also come from our Tripura. So I think it's a good thing. I think it's a good thing that we are not taking किसी का माँ बेटा politics में नहीं है। मैंने अपने family से किसी को नहीं रखा, मैं खुद आ गया, मेरे party में मेरे family से और कोई नहीं है except me. So I think it's a good blend, और ये हम positive politics करना चाहते हैं। मैं media को भी बोलना चाहता हूँ कि let's, मैं किसी को गाली नहीं बकना चाहता हूँ। ये election अगर हम positive politics से जीत गए तो शायद ये दूसरे पार्टी भी शायद फ्यूचर में फॉलो करेंगे, they follow our model. That instead of attacking someone, इतना छोटा सा स्टेट और एक दूसरे को गाली देकर क्या मिलेगा? तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स से हम ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, प्यार से जीतना चाहते हैं, किसी को गाली बक के, किसी को मार के पीट के। पहली बार इलेक्शन में लड़ रहे हैं,
पहला बार नहीं मुझे लगता है कि हमारा फाइट कुछ सीट्स में सीपीएम के साथ, कुछ सीट्स में बीजेपी के साथ है और कुछ सीट्स में आईपीपी के साथ। और ये जो तीन पार्टीज का मैंने बात किया है, ओनली किपरा मोथा अलोंग विद आईएनपीटी आर अ सिंगल चैलेंजर इन ऑल द सीट्स। किपरा मोथा इज अ सिंगल चैलेंजर इन 1 to 28 सीट्स। इन द अदर सीट्स किसी में एक दो सीट में बीजेपी सेकंड है, किसी में सीसीएम सेकंड है, किसी में आईपीएफटी थर्ड है। किपरा मोथा इज फाइटिंग फॉर नंबर वन स्पॉट इन अलॉन्ग विद आईएनपीटी ऑल द 28 सीट्स। अदर पार्टीज आर फाइटिंग इन सम सीट्स फॉर सेकंड एंड थर्ड पोजीशन।